Hello everyone, so today we will study the chapter The Ice Girl of Class 3rd. So let's start. A long time ago in the country of New Zealand, बहुत पहले की बात है, country New Zealand, there lived a man and his wife. वहाँ कौन रहता था? एक man और उसकी wife रहती थी. They loved children so much. वो children को बहुत प्यार करते थे और जब वो देखते थे कि children खेल रहे हैं तो वो बहुत ही उदास हो जाते थे कि हमारे पास children नहीं है, हम अकेले ही रहते हैं. One winter it snowed heavily. एक बार क्या हुआ? बहुत ही तेज बर्फ पड़ गई. The husband had an idea. और जो उसका husband था, उसके पास क्या आया? एक idea आया. The husband collected सम स्नो एंड मेड इट इन द शेप ऑफ गर्ल. ठीक है, उसने क्या करा, थोड़े से जो आइस होती है उसको कलेक्ट करा और क्या बना दी, एक आइस से एक गर्ल बना दी. अब फेरी सॉ देम. ठीक है, एक फेरी थी, उसने उसे देखा. सी सॉ हाउ मच द वूमेन वॉन्टेड अ चाइल्ड. उसने देखा कि जो वूमेन है उसे चाइल्ड चाहिए. शी टुक pity on her and brought the snow figure to life. ठीक है, उसने क्या कर दी, उसको उस पर दया आ गई. ठीक है, उसको उस पर दया आ गई और उसने क्या कर दिया, उसे जो गर्ल थी उसे एक रियल गर्ल में बदल दिया. द मैन एंड हिज वाइफ वर ओवरजॉयड. जो मैन और उसकी वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. नाउ देयर विश हैड कम ट्रू, क्योंकि उनकी क्या हो गई थी, जो उनकी इच्छा थी वो पूरी हो गई थी. दे नेम्ड द लिटिल गर्ल. उन्होंने लिटिल गर्ल का नाम क्या रखा, लॉइजा. ठीक है, उन्होंने जो लिटिल गर्ल थी उसका नेम रखा लॉइजा एंड कॉल्ड हर देयर वेरी ओन डॉटर. और उन्हें क्या समझा कि वो हमारी ही डॉटर है. द गर्ल बिगेन टू स्टे विद देम. ठीक है, जो गर्ल थी अब वो उनके साथ रहने लगी. द शी फिल्ड द हाउस विद हर लाफ्टर. ठीक है, उसने जो पूरा घर था उसे हंसी से भर दिया. And brought her parents a lot of joy. और अपने parents को बहुत खुशी दी. They let her whatever she wanted. वो उन्हें वो करने देती थी जो वो बोलती थी. ठीक है, और ठीक है, यू बट द वाइफ रॉन्ग्ड हर. ठीक है, उसकी वाइफ ने उसे समझाया कि यू कैन डू वट यू वॉन्ट टू डू. What you want to do? वो क्या बोलती है कि आप कुछ भी कर लो जो आपको करना है. Go where you want. जहाँ जाना है वहाँ जाओ. Dear daughter, बस सोचे रखना कि जो फायर है वो तुम्हारा greatest enemy, मतलब जो फायर है वो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है. ठीक है, Never go near the fire. जो फायर है उसके पास में कभी मत जाना. All went well for a few months. मतलब थोड़े से महीने तक सब ठीक चल रहा था. लेकिन लॉइजा मेड फ्रेंड्स विद द अदर चिल्ड्रन. और लॉइजा जो थी उसने फ्रेंड्स भी बना लिए थे. She joined them in all their games. वो उन्हें क्या करती थी, ज्वाइन करती थी जो भी गेम्स होते थे. ठीक है, वन डे द चिल्ड्रेन मेड अ बॉनफायर. ठीक है, उन्होंने एक बार क्या बनाया, एक होलिका बनाई. एंड बिगेन टू डांस अराउंड इट. और उसके और क्या करने लगे, और उसके आसपास और उसके चारों ओर डांस करने लगे. लॉइजा डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द टू गो नियर द बॉनफायर. ठीक है, जो लॉइजा थी उसको बॉनफायर के पास नहीं जाना था, मतलब उसको होलिका के पास नहीं जाना था. माई मदर आस्क्ड मी टू नॉट टू. ठीक है, उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मेरी मम्मा ने बोला है कि बॉनफायर के पास मत जाना, फायर के पास मतलब मत जाना. ओह आर यू स्केयर्ड. उसके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, अरे आप स्केयर्ड हो गए, आप डर गए. कम लॉइजा, आओ लॉइजा. यू हैव सिट बाय द बॉनफायर. आपको बॉनफायर के पास में बैठना है सर. फ्रेंड्स, ठीक है, उनके फ्रेंड्स ने कहा. एज सून
एस सी वेंट क्लोज टू इट, वो जैसे जैसे उसके पास में जाने लगी, समथिंग स्ट्रेंज हैपन, मतलब कुछ अलग ही टाइप का हुआ, मतलब कुछ अजीब सा हुआ उसकी बॉडी में। लॉइजा फेंटेड, लॉइजा मतलब बेहोश हुई और गिर गई। When she woke up, जब वो उठी, her parents were looking at her worriedly, उसके parents उसे बहुत ही sad face में देख रहे थे। Her mother exclaimed, we were so worried, हम बहुत ही परेशान हो गए थे। We thought you would melt, हमने सोचा कि तुम melt हो गए, but the fire turned you into a real girl, पर जो fire थी उसने तो तुम्हें एक real girl में बदल दिया। थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द आइस गर्ल। इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस सो कमेंट बिलो। बाय बाय।